नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी, लेकर आई हूँ आपके लिए इस बार शक्ति में एक और अनमोल खजाना। हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ सती देवी के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ये अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पर भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। पुराणों के अनुसार सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। इसके पीछे ये अंतर कथा है कि दक्ष प्रजापति ने कनखल यानी कि हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जामाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गए। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूद कर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर के आदेश पर उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता ऋषिगण यज्ञ स्थल में भाग गए। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को काट दिया। इसके बाद जो टुकड़े गिरे 52 जगहों पर गिरे, वे 52 जगह शक्तिपीठ खिलाए। सती ने दूसरे जन्म में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में शंकर जी से विवाह किया। श्रीदेवी भागवत में वर्णित राजा जन्मोत्सव द्वारा पूछे जाने पर व्यास जी द्वारा जिन 108 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है, उसमें मैं बात करूंगी आज ज्वालामुखी मंदिर के बारे में, जो कि कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ज्वालामुखी मंदिर को ज्योतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थल पर माता सती की जीत गिरी थी। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के समीप में ही बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद के द्वारा करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद्र ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्याचलवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। शची स्कंद पुराण के पुलोमा पुत्रों शची का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम के पुत्री शची ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वाला धाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। मां पार्वती ने शची की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और शची की मनोकामना पूर्ण की। जहां मां ने दर्शन दिए थे, ये स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। यहाँ माता ज्वाला देवी का एक और मंदिर है। देवी शची को इंद्राणी कहा जाता है। इंद्राणी देवी शची ने अपने पति इंद्र के हाथ में ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। रक्षा सूत्र बांधकर जब इंद्र ने युद्ध किया तो वो विजय हुए। कुछ लोगों का मानना है कि तभी ये रक्षाबंधन का यहाँ से पर्व शुरू हुआ। चलिए जानते हैं चमत्कारिक गोरख डिब्बी के बारे में। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। ये गोरखनाथ बाबा का मंदिर कहलाता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी है। देखने पर लगता है इस कुंड में गर्म पानी खौलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। ज्वालामुखी मंदिर का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। स्थान को पहली बार एक गाय पालक ने देखा था। वो अपनी गाय का पीछा करते हुए स्थान तक पहुंचा। इसके पीछे करने का कारण ये था कि गाय दूध नहीं दे रही थी और वो अपना सारा दूध पवित्र ज्वालामुखी में एक दिव्य कन्या को पिला के आती थी। उसने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा और वहाँ के राजा को बताया। राजा द्वारा सत्य की जांच के लिए अपने सिपाहियों को भेजा गया। सिपाहियों ने भी ये नज़ारा देखा। उन्होंने सारी बात राजा को बताई और सत्य की जांच के बाद ये पता चला कि उस स्थान पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ज्वालामुखी मंदिर के संबंध में एक कथा काफ़ी प्रचलित है।
यह 1552 से 1605 के मध्य का ही होगा समय जब अकबर दिल्ली का राजा था। ध्यान भक्त माता ज्योतावाली का परम भक्त था। एक बार देवी के दर्शन के लिए वह अपने गाँव वासियों के साथ ज्वाला जी के लिए निकला। जब उसका काफिला दिल्ली से गुजरा तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और राजा अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने जब ध्यानों से पूछा कि वह अपने गाँव वासियों के साथ कहाँ जा रहा है तो उत्तर में ध्यानों ने कहा वह ज्योतावाली के दर्शन के लिए जा रहा है। अकबर ने कहा तेरी माँ में क्या शक्ति है और वो क्या क्या कर सकते हैं। तब ध्यानु ने कहा वो तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सर कटवा दिया और कहा कि अगर तेरी माँ में शक्ति है तो घोड़े के सर को जोड़कर उसे जीवित कर दे। यह वचन सुनकर ध्यानु देवी की स्तुति करने लगा और अपना सर काटकर माता को भेंट के रूप में प्रदान किया। माता की शक्ति से घोड़े का सर जुड़ गया। इस प्रकार अकबर को देवी की शक्ति का एहसास हुआ। बादशाह अकबर ने देवी के मंदिर में सोने का छत्र भी चढ़ाया, किंतु उनके मन में अभिमान हो गया था कि वह सोने का छत्र चढ़ाने लाया है, तो माता ने उसके हाथ से छत्र को गिरवा दिया और उसे एक अजीब नई धातु का बना दिया जो आज तक एक रहस्य है। वह छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। ज्वाला जी में नवरात्रि के समय में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साल के दोनों नवरात्रि यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्र में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। इन दिनों में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन इत्यादि भी किया जाता है। नवरात्रि में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालु यहाँ पर आकर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग देवी के लिए लाल रंग की ध्वजा भी लाते हैं। मंदिर में आरती का समय भी एक अद्भुत नज़ारा होता है। मंदिर में 5 बार आरती होती है। एक मंदिर के कपाट खुलते ही सूर्योदय के साथ में की जाती है, दूसरी दोपहर को की जाती है। आरती के साथ साथ माता को भोग भी लगाया जाता है और फिर संध्या आरती होती है। इसके बाद रात्रि आरती होती है। इसके बाद देवी की शयन शैया को तैयार किया जाता है, उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है। इसके पश्चात देवी की शयन आरती की जाती है जिसमें भारी संख्या में आए श्रद्धालु भाग लेते हैं। भगवती ज्वाला देवी का एक मंत्र यदि कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से करे तो कितने ही खराब शत्रु उसका पीछा कर रहे हो वो छोड़ देते हैं उनका पीछा। चलिए जानते हैं क्या है ये मंत्र। ओम रीम श्रीम ज्वालामुखी मम सर्व शत्रुन भक्षय भक्षय हुम पट स्वाहा। ये बहुत ही जबरदस्त मंत्र है और माँ ज्वाला जी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहे। ऐसे ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल शक्ति में एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।